ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि गाइस आप अपनी बोरिंग फोटो में कॉफी ब्राउन टोन कैसे डाल सकते हो, जो कि गाइस आजकल इंस्टाग्राम में आपने देखी होगी जितने भी इन्फ्लुएंसर है इस टाइप की जो टोन है वो काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं अपनी फोटोज में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर आप लोगों के लिए पूरी प्रॉपर वीडियो बना देनी चाहिए। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि आप कैसे जो है ये वाली टोन अपनी फोटो में अप्लाई कर पाओगे या फिर आप डाल पाओगे। जो भी है आपको मैं इस वाली वीडियो में आपको मैं एकदम कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना ताकि जो है आप लोग मतलब कि अच्छे से समझ जाओ एंड आप लोग भी अपनी फोटो में अप्लाई कर पाओ। तो गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, फोटो आपकी चाहे रो मोड में हो चाहे किसी भी मोड में हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे डालनी है। मैंने गाइस वीडियो जैसे देखी थी अभी मैंने काफी यूट्यूब पे, तो उनमें जो है मतलब कि काफी मतलब क्रिएटर ने ये बोला है कि मतलब कि आपकी फोटो जो है रो में क्लिक होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको किसी भी फोटो में मतलब आपके रो में हो या जेपीजी में हो किसी में भी आप फोटोज में ये वाली टोन डाल सकते हो। ठीक है, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, बस मैं आपको बताऊंगा कैसे डालना है। तो जब आप वीडियो कंप्लीट देखी लोगे तो गाइस आप लोग बस एक काम कर देना मेरे लिए कि आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि गाइस आप लोगों के एक लाइक से ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यार वीडियो लाने में भी काफी अच्छा लगता है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले जो अपनी फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो अपनी फोटो को पहले इंपोर्ट करना है, देन आपको उसमें पहले करनी है लाइट करेक्ट, ठीक है, जो कि आपकी फोटो की अपनी होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी फोटो को देखना आपको क्या मतलब की कमी दिख रही है इस फोटोज में, आपको उसके हिसाब से जो है लाइटिंग वगैरह करेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा वो समझा नहीं रहा हूँ लाइटिंग में, मैं आपको कलर से डायरेक्ट समझाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है उसमें। ठीक है, क्योंकि जो लाइट वगैरह जो है ना वो आपको बाद में चेंजेस भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये वाली जो टोन है वो मतलब की जो टोन है जब हम डालेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा इसमें लाइटिंग करेक्ट है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, जब जैसे कलर में जाओगे आपको यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ा देना ताकि जो भी आपके कलर्स होंगे वो वापस आ जाएं, देन आपको थोड़ा सा टिंट को जो है प्लस की तरफ कर देना है, ठीक है, ताकि जो ग्रीन कलर होंगे ना वो एकदम मतलब ब्राइट हो जाएंगे अच्छे से। देन आपको मिक्स में जाना, फिर आपको ग्रीन कलर पहले सेलेक्ट करना है, इसका जो ह्यू एकदम माइनस कर देना है, देन येलो कलर लेना आपको इसका भी ह्यू जो है माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो थोड़ी थोड़ी जो ब्राउन टोन यहाँ पे आनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब आप सभी को जो है पहले यहाँ पे अपनी फोटो को जूम कर लेना है ताकि जो आप फेस पे जो कलर डालोगे मतलब फेस का जो आपका कलर है ना वो ज़्यादा इधर उधर ना हो, इसलिए आप इसमें जूम करके जो है लुमिनस बढ़ाना, देन आपको जो ह्यू है ना इसको थोड़ा सा ब्राउन टोन की तरफ रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूमिनस और इंक्रीज करना है एंड सैचुरेशन को कम करना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, अब जो है जैसे आपका इतना हो जाएगा आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको जो ब्लू कलर को बिल्कुल रिमूव कर देना है क्योंकि हमारी जो ये टोन है वो ब्लैक और ब्राउन होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल रिमूव कर देना है। देन आप सभी को क्या करना है, आपको जाना है रेड कलर में एंड जैसे कि लिप्स वगैरह जो है आपके यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा जो है ब्राइट कर देना है, जैसे कि ल्यूमिनस बढ़ा देंगे हम यहाँ पे सैचुरेशन प्लस कर देंगे, एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से पर्पल कलर में, हम इसका जो सैचुरेशन है बिल्कुल माइनस कर देंगे, ल्यूमिनस को भी माइनस कर देंगे एंड पिंक कलर जो है इसको भी हम थोड़ा सैचुरेशन माइनस रखेंगे, देन कर देंगे डन। उसके बाद गाइस आपको करना, आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में एंड जैसे आप यहाँ पे जाओगे आपको अपनी फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है। ठीक है, फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है एंड देन उसके बाद डालना आपको विग्नेट। ठीक है, उसके बाद आपको जो मिड टोन है इसको जो है आपको क्या करना, आपको उसको रख देना 100 प्लस की तरफ। ठीक है, देन फीदर को जो इंक्रीज कर देना है 100 प्लस। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, देन आपको शार्पनेस बढ़ा देनी अपनी फोटो की। ठीक है, तो यहाँ पे हम शार्पनेस को जो है इतना रखेंगे। ठीक है, तो शार्पनेस शायद ज़्यादा हो गई है मेरे ख्याल से, तो इतना परफेक्ट है। ठीक है, इतना रख लेंगे हम। देन उसके बाद हम कलर्स में जाएंगे वापस, हम फिर कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन हाईलाइट में जाएंगे। ठीक है, हाईलाइट में जाने के बाद जो हम यहाँ पे एक टोन रखेंगे अपनी फोटो में जो कि हम यहाँ पे रखने वाले हैं, पहले सैचुरेशन इंक्रीज कर लेते हैं देन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको जो टोन बेस्ट लगे आप वो रख लेना। तो यहाँ पे हम रखेंगे येलो टोन क्योंकि जो है हमारी थोड़ी ब्राउन टोन होने वाली है ना, तो इसलिए हम येलो रखेंगे यहाँ पे, देन सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद डन करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो हम जैसे कि मैंने बताया था आपको कलर वगैरह जो बाद में करेक्ट करना पड़ सकता है, तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है मेरे को ज़्यादा लग रहा था, मैं आपको कॉन्ट्रास्ट कम करूँगा, फिर जो हाईलाइट है ये भी थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर लूँगा, एंड जो ब्लैक्स हैं इसमें यार थोड़ा सा यहाँ पे इतना रख लेते हैं हम ब्लैक्स, तो शेडो को इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, फोटो जो है पीछे से हल्की हल्की डार्क भी हो रही है ना इसलिए, तो यहाँ पे हम इतना रख लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या करना है आप सभी को, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा ब्लैक्स में यार गड़बड़ लग रहा था, यहाँ पे ब्लैक्स को जो है ना हम इतना रखेंगे 20 नहीं मतलब 14 तक रखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद कर्व टूल में जाएंगे, येलो कलर सॉरी ब्लू कलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड ऊपर से जो एक पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ी सी येलो टोन देंगे फोटो में, देन नीचे से आपको जो थोड़ा ऊपर की तरफ रखना था कि थोड़ी सी ब्राउन टोन जो है वो भी आ जाए, एंड उसके बाद बीच में आपको उसको एकदम बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, तो ये वाला टूल जो आप ध्यान से देख लेना। देन उसके बाद आपको ये करना है, गाइस देखिए अब यहाँ पे जो हमारी ब्राउन टोन तो आ चुकी है फोटो में है ना, तो अभी जो है इसमें हम स्मूथ जो स्किन है जो उसको स्मूथ कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी फोटो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं, अब फिर उसके बाद जो हम इसमें स्किन भी स्मूथ करेंगे।
करेंगे। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा प्रोफेशनल वाले टाइप से नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें अगर मैं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको अभी रफली समझा रहा हूँ स्नैपसीड से। तो अगर आप चाहो तो ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो बन रखी है पूरी, तो वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हम गाइस पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हीलिंग का यूज़ करेंगे ताकि जो पिंपल्स वगैरह है वो रिमूव कर दें। तो यहाँ पे जो अच्छे से एकदम बिल्कुल इतने खास तरीके से हो नहीं पाता है, बट यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ के ऊपर आपके लिए वीडियो बनी हुई है, बैकग्राउंड रिमूव और जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं ना सबके ऊपर वीडियो बनी हुई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके घूम के आना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप सभी को जो यहाँ पे सिंपली ऊपर की तरफ प्रेस करना है, आपको स्क्रीन स्मूथ मिलेगा। तो पहले आई क्लियरिटी जो है इसको जो हम माइनस ये क्या है पहले से ही, तो इंक्रीज़ करके देखते हैं। एंड स्क्रीन स्मूथ में जाना है आपको, इसमें क्या करना है आपको उसको बिल्कुल 100+ कर देना है ताकि जो आपकी स्किन है और मस्त तरीके से एकदम हो जाए, ठीक है। तो आई क्लियरिटी जिसको माइनस करते हैं हम बिल्कुल। सो इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको डन कर लेंगे। एंड उसके बाद जो है फेस में थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह डालेंगे यार, मतलब फोटो एकदम झक्कास लगनी चाहिए ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सिलेक्टिव टूल में जाएंगे, ठीक है। सिलेक्टेड टूल में जैसे जाएंगे हम यहाँ पे फेस की तरफ रखेंगे ऐसे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दोनों फिंगर्स ऐसे प्रेस करेंगे एंड उसके बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे। एंड कॉन्ट्रास्ट जो है इसका थोड़ा सा माइनस की तरफ रखेंगे। एंड जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा जो हम माइनस, एंड जो स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्लस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। तो गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।